दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोज जो कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड में एक हमारी लाइफ का अहम हिस्सा भी बन चुका है, उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम लोग केवल इसके की फैक्ट्स से देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसको जितना हम लोग बढ़ते जाए उतना कम है। तो वैसे तो नॉलेज कोई भी ले लीजिए, वो एक वास्ट समुंदर है। जितना हम लोग उसकी नॉलेज में डूबते जाएंगे उतनी वो और गहरा होता जाएगा। बट ये एक रीसेंट ऐसी चीज़ है जिसमें लगभग हर एक को इंटरेस्ट भी है, और हर एक पर्सन लगभग आज के टाइम पे उसका यूज़ भी कर रहा है। बट क्या हम लोग उस चीज़ को राइट वे में यूज़ कर रहे हैं? उस चीज़ का हमारे लिए बेनिफिट क्या है? उस चीज़ को क्या केवल हम लोग एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही यूज़ कर सकते हैं? क्या इट इज़ ओनली अ सोर्स ऑफ पर्सनल यूज़ की, या हमारे निजी यूज़ के लिए है? क्या ये हमारे केवल निजी विकास के लिए है, या फिर अगर हम लोग इसकी बड़ी तस्वीर देखें कि ये हम लोगों को केवल हमारे नहीं बल्कि देश के विकास के लिए, बल्कि हम देश के नहीं पूरे दुनिया के विकास में, और ये नहीं कि इसमें हमारे पास एक ही फील्ड ऑफ नॉलेज है, इसमें हम लोग जिस मर्जी फील्ड की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और इसका पॉजिटिव या इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट भी असीम है, इसके बेनिफिट की भी कोई सीमा नहीं है अगर हम इस चीज़ की प्रॉपर यूसेज कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? वो है बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर। बिल्डिंग होता है निर्माण, इंटरनेट आज कल हम सब लोग यूज़ करें, कल्चर समाज, कि इंटरनेट के समाज का निर्माण, एक ऐसा समाज जहाँ पे इंटरनेट को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा सके। जैसे अब अगर हम लोग अपनी प्रेजेंट जनरेशन की बात करें, तो मोर देन 60 to 70% ऑफ अवर प्रेजेंट जनरेशन जो है वो इसका लगभग यूज़ तो करती है, बट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, टाइम पास, इन चीज़ों के लिए। और बाकी की जो 20-30% बच गई, उनमें से भी बहुत कम ऐसे परसेंटेज के जो जनरेशन है जो इसको एक एजुकेशनल पर्पस, जो इसको फॉर गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज, जो इसको टू अचीव या टू लर्न समथिंग न्यू, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अब अपने ऊपर इसकी, इसको इम्प्लीमेंट करें, अब से पहले कभी आप लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वाया इंटरनेट हम लोग कभी क्लास लगाएंगे। आप लोग तो ये सोचते थे कि हम लोगों को फ़ोन कॉलेज में अलाउड नहीं है, और आज उसी फ़ोन के ज़रिए आप लोग पढ़ रहे हो। कभी हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था ऐसे कंडीशंस आ जाएंगी कि हम लोगों को जो क्लासरूम टीचिंग है वो बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर सपोज़ हमारे पास ये टूल, ये हथियार हमारे पास ना होता इंटरनेट, तो हम लोग किस प्रकार से अपने स्टडी का जो गैप है उसे फिलअप कर पाते? तो लगभग नामुमकिन था हम लोगों के लिए, या फिर क्लासरूम टीचर्स को, टीचिंग को हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते, या फिर हम लोग ये सोचते कि जब कंडीशंस नॉर्मल हो तब लोग हम लोग क्लासरूम टीचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे इंटरनेट का सबसे पहला पॉजिटिव यूज़ जो अब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं कि हम लोग रिमोट जगहों पे बैठे हुए भी हम लोग उस चीज़ के ज़रिए अपने आप को अप टू डेट रख रहे हैं अपनी नॉलेज में, अपनी स्टडी में। तो स्टार्ट करते हैं पहला की फैक्ट। द इंटरनेट ऑफर्स अस द होप ऑफ ए ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट कैन हेल्प अस टू रिन्यू अवर इंस्टीट्यूशंस। अब हम लोग ये सोचेंगे कि इंटरनेट हमें लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे प्रदान करता है? भाई लोकतंत्र क्या है? लोगों के लिए सब कुछ होना, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा की गई चीज़, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। तो वो कह रहा है कि जब हम लोग इंटरनेट के साथ डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग इसके ज़रिए अपने एक दूसरे के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम लोग पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा यूज़,
इंटरनेट एक ऐसा टूल है हमारे पास, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के पास, लोकतांत्रिक या किसी भी समाज के पास, जिससे वो अपने मौजूदा संस्थाओं को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक टाइम था जब हम लोगों को हर चीज़ के लिए मैन्युअली काम करना पड़ता था, वहाँ पे जगह पे जाके चीज़ों को देना पड़ता था, ठीक है। या फिर हम लोग ये देखें, बैंक में जाना है, वहाँ पे हम लोगों को जब फाइल्स का काम होता था बहुत टाइम लगता था, बट जैसे कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, अब हम लोग घर पे बैठे बैठे ही अपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे जो हैं वो सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये नहीं कि एक शहर में, एक देश में, बल्कि आउटसाइड एंड कंट्री, देश के बाहर भी हम लोग विद इन सेकेंड्स पैसे को भेज सकते हैं। मेडिकल में भी इसकी ये फैसिलिटी होगी। आज की चीज़ विदेश में इन्वेंट हुई है, उस चीज़ का हम लोग इमीडिएट स्टडी करके उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे हम लोग अपनी मौजूदा संस्थाओं को एक नया रूप दे सकते हैं, जो कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट फॉर कल्चरल एंड सोशल पर्पसेस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड लर्न इट। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, अब ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है नो मैन इज़ एन आइलैंड में, और ये नॉर्मल जनरल सी बात भी है कि टेक्नोलॉजी का दिमाग नहीं है, दिमाग उसको यूज़ करने वाले का है कि वो सही या गलत यूज़ कर रहा है। तो इसी चीज़ के लिए वो कहता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि लोगों को उस चीज़ का सही यूज़ करना के बारे में ज्ञान दिया जाए और उन्हें सिखाया जाए। और यही कारण है कि आज से 10-15 साल पहले चले जाओ तो कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, तो और आज के टाइम पे राइट फ्रॉम दी अर्ली एजुकेशन हमारे देश में कंप्यूटर एक अहम सब्जेक्ट बन चुका है, जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जाता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस पीपल टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। नेटवर्क का ये बेनिफिट है। अब इंटरनेट का बेनिफिट क्या हुआ? पहले अगर किसी कंपनी के कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, हम लोगों ने बाहर में किसी दूसरी कंपनी के साथ या अपने ही किसी ब्रांच के साथ टाई अप करना है, शहर के बाहर, देश के बाहर और कहीं पे भी, तो हम लोगों को मैन्युअली वहाँ पे जाना पड़ता था, बहुत सारे दिन भी लगते थे, पैसे भी वेस्ट होते थे, टाइम भी वेस्ट होता था। अब क्या है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी ने यह कर दिया है, हम लोग घर पे बैठे बैठे ही दुनिया के किसी कोने में भी अपनी कंपनी, अपने ब्रांच के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या हुआ, टाइम और पैसे की बचत भी हुई, और हम लोगों ने बैठे बैठे उनको अपने बारे में बता दिया और उनसे हम लोगों ने अपने कल्चर या उनके वर्क एनवायरनमेंट के बारे में सीख लिया। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ग्रुप इन विच पीपल कैन पूल देयर आइडियाज, शेयर देयर एक्सपर्टाइज ऑन अ शेयर्ड टॉपिक। और डिस्कशन डिबेट ग्रुप्स या डिस्कशन ग्रुप्स बनाने, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पे आप लोग ग्रुप बनाते हो, आप लोग क्या करते हो उन ग्रुप्स में, ठीक है, आप लोग बेसिकली उन ग्रुप्स में केवल चैटिंग या नॉर्मल टाइम पास के लिए जाते हो, बट जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन एजुकेटेड, वो क्या करेगा, उन ग्रुप्स के ज़रिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेगा जिससे कि जितने भी लोग मेंबर्स उस ग्रुप के होंगे, वो उन ग्रुप्स के मेंबर का उनके उस टॉपिक के ऊपर व्यू पॉइंट जान पाएगा। यानी कि अगर एक ग्रुप में 10 मेंबर है और 10 में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के ऊपर एक टॉपिक दे दिया आज का, कि इसके ऊपर आप लोगों ने व्यू पॉइंट देने हैं, अब जहाँ पे एक बंदे के व्यू पॉइंट थे वहाँ पे अब 10 बंदों के व्यू पॉइंट है। यानी कि वहाँ पे हम लोग जैसे जो ग्रुप्स बने हैं, ऐसे जो डिस्कशन ग्रुप्स बने हैं ऑनलाइन साइट्स के ऊपर, उससे हम लोगों को ये हेल्प मिलती है कि हम लोग अपने सोच के मुताबिक उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपने आइडियाज़ को और निखार सकते हैं और दूसरों से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इंटरनेट कैन बी बेस्ट थॉट एज वन कॉम्पोनेंट ऑफ द लार्जर इकोलॉजी ऑफ मीडिया। और जितना भी मीडिया है उसका बेस, उसका आधार इंटरनेट है। जहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पहले क्या लगता था, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देनी है तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, अब क्या है, विद इन सेकेंड्स हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी भेज सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
Social networks also influence adoption of new technologies. If members of a community already have social connection, they are more likely to benefit from technological connection. अब social सामाजिक network. अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग social sites को use करते हैं, जैसे Facebook है, WhatsApp है. और social networking क्या है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो लोग पसंद है उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में लेके आते हैं. और सोशल नेटवर्किंग भी यही है कि समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, उसी चीज़ को इंस्पायर होके कि समाज में एकजुटता बनी रहे, उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होके ऐसी सोशल नेटवर्किंग जैसी चीज़ों को इन्वेंट किया गया है कि हम लोग जो चीज़ें रियल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी अडॉप्ट करें. कि जिन लोगों के पास हम लोग फिज़िकली नहीं पहुंच सकते, उन लोगों के साथ भी हम लोग कनेक्ट होके रहे वाया इंटरनेट. बट हो क्या गया, इसका नेगेटिव यूज़ क्या है, हम लोग उन लोगों से तो कनेक्ट होना शुरू हो गए बट हम लोग अपने लोगों से दूर होना शुरू हो गए. बात फिर से वही आ गई कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो अल्टीमेटली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा. हमें एक बैलेंस मेंटेन रखना था कि हम लोग जो लोग रिमोट हैं उनसे भी कनेक्शन बना के रखें और जो हमारे अपने हैं उनसे भी हम लोग जुड़े रहें. ए सोसाइटी विल बी हैप्पियर एंड हेल्दियर इफ़ दीज प्रैक्टिसेस आर वर्किंग वेल. और अगर लास्ट की पॉइंट है आज के लेक्चर का, अगर ये सारी के सारे जो हम लोगों ने की पॉइंट्स एनालाइज किए हैं, इन सभी की पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो उस सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से, एक साथ मिलजुल के रहने से कोई नहीं रोक सकता. और अब इंटरनेट है ही एक ऐसी चीज़, पहले हम लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता होता था, ठीक है, अब क्या है, अब हम लोगों को अपने कल्चर के साथ साथ हमें ये भी पता है कि पर्टिकुलर देश में कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और हम लोग उस समय उन लोगों को विश भी करते हैं. तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट कि इसने हमारा जो नॉलेज का हॉरिजॉन था, नॉलेज का जो दायरा था वो बहुत विशाल कर दिया. बट बात फिर से वहीं पे आके रुकती है कि दायरा तो विशाल कर दिया, क्या हम लोगों ने अपने आप को उस दायरे के बराबर बनाया है या नहीं है. अगर नहीं